दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। डॉक्टर होने के बावजूद कोई मेरे पास नहीं आता, मरीज भी ट्रांस डॉक्टर से ऐसे डरते हैं मानो छूत की बीमारी हो। कोलकाता की घनी बस्तियों में शाम यानी रसोई की पकती मछलियों की गंध से साथ संगीत और बच्चों के खेलने कूदने की आवाजों से इसी शहर में मेरा बचपन बीता, लेकिन खेलते हुए नहीं इधर से उधर फुटबॉल की तरह उछलते हुए। लड़कों के ग्रुप में जाता तो भागा देते थे मुझे, जैसे छुई मुई लड़के की उन्होंने बीच जगह नहीं। लड़कियों के पास जाती थी तो वे इशारों में कुछ फुसफुसाती थी और लड़कों के पास भेज देती थी। मैं कहीं फिट नहीं थी, सीने पर उभार दिखने लगे, आवाज बदलने लगी और चाल भी, यहाँ तक कि कपड़े चुनने में खुद अटक जाती थी। चेक वाली शर्ट पहनूं या फिर फूलों वाली फ्रॉक। इस अटकन इस झिझक ने मेरा बचपन बदल कर रख दिया। स्कूल में टीचर ने अब्यूज किया तो डॉक्टरी पढ़ने के बाद मरीजों ने इलाज करवाने से मना किया। बहुत वक्त लगा खुद को आजाद करने में। डॉक्टर संतोष गिरी कहती हैं, शाम की चाय सुकुड़ते हुए या फिर शॉपिंग मॉल में नहीं बताया जा सकता कि आप ट्रांसजेंडर हैं। इसमें बहुत ताकत लगती है, बताते हुए गले के साथ दिमाग की नसें भी फटती हैं। तैयार रहना होता है अपनों से अलग रहने के लिए। पैदा हुई तो लड़कों के जन्म पर जितनी खुशियां मनाने का चलन है सब मनाए गए। लड्डू बांटे, कांसे की थाल बजी। मैं घर का इकलौता लड़का थी, माँ चाव से काला टीका लगाती कि बेटे को किसी की नज़र न लगे। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन परेशानी शुरू हुई जब मैं बड़ी होने लगी। मुझे कमीज पैंट पहनना पसंद नहीं था। माँ बहनें जरा भी घर से बाहर गई, मैं झट से बहनों की फ्रॉक निकाल कर पहन लेती। वो मेरी अपनी दुनिया होती, सज कर देर तक आईना देखा करती। मुझे मेरा यही चेहरा पसंद था, सजा धजा अदाओं से दमकता हुआ, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही होता। सबके घर लौटने से पहले फटाफट सारे निशान ऐसे मिटाने होते जैसे कोई अपराधी जुर्म के निशान मिटाता है। बहनों के कपड़े तय लगा कर उसकी अलमारी में सज जाते और मैं पैंट शर्ट पहन कर घर का दुलारा बेटा बन जाती। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइव पर भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद बताएंगे आपको देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।